great powers comes great responsibilities. ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, सुना होगा, फेमस है. पर इस डायलॉग से जुड़े एडवेंचर्स शायद आपको पता नहीं. तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका द मूवी सैवी के पहले वीडियो. वैसे आपको पता ना हो तो बता दूं कि स्पाइडरमैन का कैरेक्टर पहली बार देखा गया था अमेजिंग फैंटेसी के इशू 15 में, और लोगों ने इसे इतना पसंद किया था कि मार्वल को स्पाइडरमैन की सेपरेट कॉमिक्स निकालनी पड़ी थी, जो पहली निकली थी 1963 में स्पाइडरमैन का इशू 1. स्पाइडरमैन की बहुत सारी कॉमिक्स बनाई गई है, इसलिए हमने इसे एपिसोड्स में दिखाने का सोचा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो कहानी शुरू होती है पीटर पाका के बेडरूम से, जहां वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि अंकल बेन मर चुके हैं क्योंकि वो उन्हें बचा नहीं पाया. और वो कहता है यह सब तब शुरू हुआ जब उसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काट लिया और उसने देखा कि उसे स्पाइडर जैसी पावर्स मिली है. तो वो एक सूट डिज़ाइन करता है और पैसे कमाने के लिए शोज़ करना शुरू कर देता है. पर जब स्पाइडरमैन अपने शोज़ में बिजी होता है, एक चोर अंकल बेन को गोली मार देता है क्योंकि अंकल बेन उस चोर को अपने घर में चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं. जैसे ही पीटर को ये पता चलता है तो वो शहर में निकल पड़ता है उस चोर को पकड़कर अंकल बेन का बदला लेने के लिए, और वो उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है. फिर पीटर कहता है कि अब आंट मैं और मैं अकेले पड़ चुके हैं और हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं हमारे बिल्स भरने के लिए. तभी वो देखता है कि आंट मैं अपने लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक से कहती है कि उन्हें थोड़ा और टाइम दे दे ताकि वो अपना रूम रेंट भर सके. ये देखकर पीटर को बहुत बुरा लगता है और वो आंट मैं से कहता है कि वो अपना स्कूल छोड़कर कोई जॉब करेगा. पर आंट मैं उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि अंकल बेन चाहते थे कि तुम एक साइंटिस्ट बनो. पर पीटर बहुत गिल्टी फील करता है और सोचता है कि उसे आंट मैं की मदद करनी चाहिए. फिर वो सोचता है कि वो अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है, कितने भी पैसे चुरा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो कोई चोर नहीं है. तब वो सोचता है कि उसे वापस शोज़ करके पैसे कमाने चाहिए. कुछ दिन बाद स्कूल में पीटर के क्लासमेट स्पाइडरमैन का शो देखने का प्लान बनाते हैं, पर पीटर मना कर देता है. तो वो कहते हैं कि तुम्हें वैसे भी बुलाने वाले नहीं थे, और सब वहाँ से चले जाते हैं. शो वाली रात को ऑडियंस स्पाइडरमैन के करतब देखकर चौंक जाते हैं. शो के बाद स्पाइडरमैन अपने पैसे लेने जाता है तो एजेंट उसे कैश की जगह चेक देता है और कहता है कि चेक किस नाम से चाहिए. तो स्पाइडरमैन कहता है वो उसे स्पाइडरमैन के नाम का चेक दे दे, लेकिन वो चेक कैश नहीं हो पाता है क्योंकि बैंक के लोग उसे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं जो स्पाइडरमैन नहीं दिखा सकता. अगली रात जब स्पाइडरमैन शो करने जाता है तो एजेंट मना कर देता है कि अब कोई शोज नहीं होंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में एक खबर छपती है कि स्पाइडरमैन समाज के लिए खतरा है, जो और कोई नहीं डेली ब्यूगल के एडिटर जे जेम्सन छापते हैं. जे जेम्सन कहते हैं कि स्पाइडरमैन एक शैतान है और उसे जल्द से जल्द जेल में डाल देना चाहिए. जेम्सन कहते हैं कि लोगों को असली हीरो जैसे जॉन जेम्सन, जो कि उनका बेटा है, उसे सपोर्ट करना चाहिए, जो कि एक एस्ट्रोनॉट होता है. अब जब स्पाइडरमैन शो नहीं कर सकता तब वो सोचता है कि उसे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं देता क्योंकि वो एक स्कूल का बच्चा है. तभी वो देखता है कि आंट मैं अपने गहने गिरवी रखने के लिए पॉन शॉप में जाती है. ये देखकर पीटर को और भी बुरा लगता है कि वो आंट मैं की मदद नहीं कर सकता, तो वो और गुस्से में आ जाता है. अगले दिन पीटर पार्कर के पास कोई काम ना होने की वजह से वो एक रॉकेट लॉन्च देखने जाता है, जिसमें और कोई नहीं जे जेम्सन का बेटा जॉन जेम्सन होता है. तो जे जेम्सन अपने बेटे से कहते हैं कि तुम ही इस शहर के असली हीरो हो और मुझे तुम पे बहुत नाज है. और कुछ देर बाद उसका रॉकेट लॉन्च हो जाता है. पर जैसे ही रॉकेट स्पेस में जाता है, रॉकेट के ऊपर का कैप्सूल टूटकर गिर जाता है और इसी वजह से रॉकेट खराब होकर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है. तो रॉकेट में बैठा हुआ जिम जॉनसन कहता है कि वो उसे खुद तो ठीक नहीं कर सकता. फिर नीचे बैठे हुए रिसर्च सेंटर के लोग कहते हैं कि रॉकेट में बहुत खराबी है और अगर ये क्रैश हो गया तो लोगों को भी नुकसान होगा, हमें इसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा. तो वो एक लोहे का जाल बिछाते हैं ताकि वो उस कैप्सूल को पकड़ सके, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही ये बात पीटर को पता चलती है तो वो कहता है कि इसे बस एक ही बंदा बचा सकता है, वो है स्पाइडरमैन. फिर पीटर अपना स्पाइडरमैन का सूट पहनकर रिसर्च सेंटर की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो गिरते हुए रॉकेट को बचा सके. लेकिन जैसे ही वो रिसर्च सेंटर की ओर पहुंचता है तो वहाँ के लोग उससे कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और जेम्सन का बेटा नहीं बच सकता, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ. तभी बीच में टोकते हुए जेम्सन कहता है कि स्पाइडरमैन एक शहर के लिए खतरा है और उसे चांस नहीं देना चाहिए. तभी स्पाइडरमैन कहता है कि आपका अपना मुंह बंद रखते हुए देखो कि मैं क्या करता हूँ, और स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है.
पर जैसे ही स्पाइडरमैन जेमसन के बेटे को बचाने के निकल पड़ता है, वहाँ के अफसर उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन लोग को अपने जाल में फांस लेता है और जाकर एक प्लेन में बैठता है और वहाँ से टेक ऑफ करता है और पायलट से कहता है कि उसे कैप्सूल के पास ले चले। जैसे ही वो कैप्सूल के पास जाता है तो उससे पायलट उससे कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगे, लेकिन स्पाइडरमैन कहता है हाँ मैं ये कर लूँगा, और वो कहता है कि अगर मैं ठीक से नहीं जा पाया तो तुम अपना प्लेन नीचे लैंड कर लेना। फिर पीटर उस प्लेन के ऊपर चढ़कर उस कैप्सूल की ओर अपने जाल से निशाना लगाता है और स्विंग करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस कैप्सूल के ऊपर चढ़ता है उसे पता चलता है कि हालात बहुत ही ख़राब है। फिर जैसे तैसे स्पाइडरमैन उस कैप्सूल के ऊपर अपना कंट्रोल बनाते हुए अंदर बैठे जॉन से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो जॉन आंसर करता है कि वो ठीक है लेकिन मैं इस कैप्सूल को अंदर से कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं पैराशूट बाहर से खोलना होगा। तो स्पाइडरमैन जाके पैराशूट बाहर से खोलता है और जैसे तैसे वो कैप्सूल सेफली लैंड हो जाती है। तो रिसर्च सेंटर में बैठे हुए लोग कहते हैं कि अब हालात कंट्रोल में है और सब ठीक है। फिर स्पाइडरमैन खुश होते हुए कहता है कि दुनिया में शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया हो, और वो सोचता है कि अब उसे समाज के लिए खतरा नहीं माना जाएगा। वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि अगले दिन उसके बारे में पेपर में खबर छपती है और उसमें लिखा होता है कि स्पाइडरमैन को जल्द से जल्द जेल में डाल देना चाहिए। ये खबर देखकर पीटर चौंक जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, और जे जे जेमसन पब्लिक से ये कहता है कि ये सब स्पाइडरमैन का ही प्लान था ताकि वो मेरे बेटे को नीचा दिखा सके। उसने मिलिट्री के लोगों को अपने जाल में कैद किया और ये सब इसलिए किया ताकि उसका नाम हो। ये देखकर पीटर को और भी बुरा लगता है। वो बाहर जाता है तो देखता है कि लोग उसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं और उसके बारे में वांटेड के बैनर छप जाते हैं और उस पर लिखा होता है कि जो भी स्पाइडरमैन को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। पीटर इस बात से बहुत दुखी होता है क्योंकि लोगों के साथ साथ आंट में भी स्पाइडरमैन को खतरा समझती है। पीटर सोचता है उसने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से लोग उसे इतनी नफरत करते हैं, या फिर उसे वही बन जाना चाहिए जो लोग उसे मानते हैं, एक खतरा। और वो बैठे बैठे गहरी सोच में डूब जाता है। और स्पाइडरमैन आगे क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और ऐसे बहुत से वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।